तो फ्रेंड अगर आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर व्हाट्सएप का लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से सारे सेटिंग बताने वाला हूं ए टू जेड। व्हाट्सएप में हमेशा अपडेट आते रहते हैं, तो जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से सब कुछ आपको इसके अंदर बताऊंगा। इस वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं फ्रेंड, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन सब कुछ इसके अंदर कवर करूंगा जितने भी सेटिंग आते हैं। थिएटर को जब क्लिक करेंगे राइट साइड में, सबसे ऊपर मिलेगा न्यू ग्रुप का ऑप्शन, मतलब आप लोग ग्रुप बना के चैटिंग करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ कैसे कर सकते हैं, इसको न्यू ग्रुप ओपन करेंगे। जिसको सेलेक्ट करना चाहते हैं फ्रेंड उसको यहां क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, ग्रुप का नाम डालेंगे, जो भी आप लोग ग्रुप का नाम डालना चाहते हैं ग्रुप का नाम डालिए और चैटिंग कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। दूसरा न्यू ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आएगा, इसका मतलब क्या है कि एक साथ 100-150 जितने लोग को चाहे मैसेज भेजना, ब्रॉडकास्ट में जाकर के आप लोग क्या करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है, एक साथ जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी मैसेज टाइप करके भेजेंगे पूरे आदमी को एक साथ तो मैसेज मिलेंगे फ्रेंड। तो ये ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, एक साथ बहुत सारे लोगों को एक ही मैसेज भेजना चाहते हैं, तो यहाँ सेलेक्ट कर लिया, साथ देखिए सेलेक्ट किया या मैसेज टाइप किया और भेजेंगे तो सबको एक साथ मैसेज मिल जाएंगे फ्रेंड। ये बड़े बड़े कंपनियों में चाहे और स्कूल वगैरह में ये सब ब्रॉडकास्ट का यूज होते हैं, आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं किसी को मैसेज भेजने के लिए एक से अधिक आदमी को। फिर थ्री डॉट में जाएंगे, लिंक डिवाइस में जाएंगे, यहाँ पे अगर अपने मोबाइल को चाहे कंप्यूटर से लिंक करना चाहते हैं कनेक्ट करना चाहते हैं लिंक डिवाइस में जाके यहाँ पे लिंक कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। मैं बताऊँ स्टार्टेड मैसेज है, स्टार्टेड मैसेज का मतलब क्या है, आप लोग चैटिंग करते हैं फ्रेंड, कोई होता है आपका फेवरेट फोटो होता है चैट होता है तो उसको चाहे दोबारा देखने के लिए तो ढूंढना पड़ता है। इसमें जाएंगे यहाँ चैट में जाएंगे फ्रेंड, किसी का चैट ओपन कीजिए, यहाँ पे फोटो वीडियो जो भी आप लोग क्या कर क्लिक करके रखना है, जब क्लिक करेंगे ऊपर स्टार का एक निशान दिखाई देगा फ्रेंड, उसको क्लिक कर देंगे तो स्टार्टेड में चला जाएगा। अब क्या होगा, आप लोग को बाद में कोई देखना है फोटो तो पूरा ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधे जाइए थ्री डॉट में और स्टार्टेड में सिम, देखिए यहाँ पे आ गया मैसेज। तो अगर आप लोग स्टार्टेड मैसेज में सेव कर लेंगे तो जब चाहे अपने फेवरेट मैसेज को यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टेड में सिम जाके। इसके बाद से नीचे आऊं, सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सबसे नीचे आएंगे थ्री डॉट में तो सेटिंग मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग कर सकते हैं फ्रेंड। सबसे ऊपर मिलेगा आप लोग का अपना प्रोफाइल, प्रोफाइल में क्लिक करेंगे फ्रेंड इसमें क्या है, आप लोग अपना नाम को चेंज कर सकते हैं, अगर व्हाट्सएप का नाम कोई दूसरा रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, पेंसिल का निशान दिया हुआ है इसको क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे अब जो भी नाम व्हाट्सएप में रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं व्हाट्सएप का नाम। अबाउट भी यहाँ दे सकते हैं, पेंसिल के निशान पे क्लिक करके अपने अबाउट के बारे में कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ सेव कर सकते हैं प्रोफाइल में। अगला है अकाउंट का जो ऑप्शन मिलेगा फिर, इसके अंदर बहुत सारे सेटिंग आते हैं। दूसरा पहला सेटिंग आएगा सिक्योरिटी नोटिफिकेशन का, आपका क्या होता है यहाँ ऑफ होता है, प्लीज इसको ऑन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि व्हाट्सएप में जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे जितने भी अपडेट आएंगे अगर ऑन रहेगा फ्रेंड तो क्या होगा, आप लोग को अपडेट मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, इससे होगा लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड। इसको ऑन करके रखिए आप लोग, सिक्योरिटी नोटिफिकेशन में जाना है इसको ऑन कर लेना है। दूसरा है ईमेल एड्रेस, अगर आप लोग अपने व्हाट्सएप में ईमेल एड्रेस को सेव कर लेंगे तो इससे क्या फायदे हैं, कई बार व्हाट्सएप आप लोगों का बंद हो जाता है कोई बात होता है, ईमेल के द्वारा भी आप लोग अपने व्हाट्सएप को रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए जाना है एड ईमेल में, यहाँ पे अपने ईमेल डालना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे करेंगे आपके ईमेल पे जीमेल पे जो भी है आप लोग का एक ओटीपी कोड आएगा, उस ओटीपी को यहाँ डालेंगे तभी जाके वेरीफाई होगा फ्रेंड। तो मैं दिखाता हूँ, देखिए मेरा आ गया है यहाँ पे, जीमेल में जाएंगे तब कोड आएगा, उस कोड को वेरीफाई कर देंगे आप लोग का जीमेल ऐड हो जाएगा व्हाट्सएप में। फ्यूचर में जब भी कोई प्रॉब्लम होता है जीमेल के द्वारा भी आप व्हाट्सएप को रिकवर कर सकते हैं। देखिए वेरीफाइड हो चुका है, आप लोग वैसे वेरीफाई करके ईमेल को एड्रेस को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अगला बताऊं, जब बैक करेंगे आप लोग, देखिए बहुत सारे सेटिंग है फ्रेंड ए टू जेड में बताने वाला हूं। टू स्टेप वेरिफिकेशन, इसको क्लिक करके क्या करेंगे, अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा देंगे आपका व्हाट्सएप कोई आप ही खोल सकते हैं फ्रेंड। इसमें पासवर्ड लगाना आप लोगों को 6 अंक का, जो भी पासवर्ड लगाएंगे कोई भी दूसरा आदमी आपको नहीं ओपन कर सकता है पासवर्ड के बिना। अब अगर ऑफ करना चाहते हैं टर्न ऑफ करके इसको हटा भी सकते हैं। अगला है चेंज नंबर, अगर आप लोगों का पुराना कोई नंबर से व्हाट्सएप चल रहा है और चाहते हैं कि नया नंबर डालना चाहते हैं कोई दूसरा नंबर ऐड करना चाहते हैं तो क्या करना, चेंज नंबर में जाना है, यहाँ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको चेंज का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं पुराना नंबर ऊपर डालना है जो चल रहा था व्हाट्सएप और नया वाला नीचे डाल देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आप लोग यहाँ से जाके नंबर को चेंज कर सकते हैं।
और नीचे आएंगे रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, इनपो रिक्वेस्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और डिलीट में आएंगे डिलीट दिस अकाउंट। अगर आप लोग व्हाट्सएप नहीं चलाना चाहते हैं, परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट दिस अकाउंट में आना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना अपना और नीचे डिलीट कर देंगे तो आप लोग का व्हाट्सएप परमानेंटली डिलीट हो जाएगा फ्रेंड। अगर नहीं चलाना है तो यहाँ से आप लोग परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप को हमेशा के लिए। उसके बाद आपको बताऊँ, नीचे आएंगे फ्रेंड बैक करके, अब यहाँ पे आपका अकाउंट का क्लियर होता है पूरा सेटिंग। अब प्राइवेसी में जाते हैं, प्राइवेसी में जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। अगर आप लोग अपना व्हाट्सएप चला रहे हैं तो बहुत सारे लोग देखते रहते हैं आप ऑनलाइन है कि नहीं है, उसको कैसे सेटिंग कर सकते हैं। देखिए पहला है एवरीवन, अगर आपका एवरीवन में रहेगा फ्रेंड तो सारे लोग आपको देखेंगे जब भी आप ऑनलाइन आएंगे। अगर माइक कॉन्टेक्ट में कर लेंगे तो आपको जो लिस्ट कॉन्टेक्ट का होगा जो सेव किए होंगे वही लोग देखेंगे कि आप ऑनलाइन है कि नहीं है। और माइक कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट का मतलब होता है कि कॉन्टेक्ट का ओपन हो जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा। इसमें जिसको क्लिक करेंगे, जिसको सेलेक्ट कर लेंगे, वो आदमी बस नहीं देखेगा आप ऑनलाइन आएंगे तो, बाकी सारी दुनिया देखेगी। यहाँ पर अगर किसी से कोई बात है चाहते हैं न देखे, यहाँ क्लिक करना है सेव कर लेना है, वो आदमी जब ऑनलाइन आएंगे तो बस नहीं देखेगा, बाकी सब लोग आपका ऑनलाइन देखेगा फ्रेंड। और नोबडी कर देंगे तो कोई भी आप ऑनलाइन आ रहे हैं जा रहे हैं कोई भी आपको पता नहीं चलेगा, कोई नहीं जान पाएगा। नीचे है हु कैन सी आई ऑनलाइन, एवरीवन करेंगे तो सब लोग देखेंगे। नीचे आएंगे सेम एज लास्ट सीन, जैसे ऊपर सेट करेंगे वही चीज दिखाएगा इधर भी, मतलब लास्ट सीन क्या है, आप लोग कब बंद किए, यहाँ पे वो शो करेगा, मतलब कितना बजे, 10 बजे 11 बजे कभी आप व्हाट्सएप बंद कर रहे हैं लास्ट सीन वो दिखाएगा। माय प्रोफाइल फोटो में क्या है, सेम वही है, एवरीवन करेंगे तो सब लोग देखेंगे। माय कॉन्टेक्ट में करेंगे तो कॉन्टेक्ट वाले देखेंगे, माय कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट करेंगे तो वो नहीं देखेंगे, नोबडी कर देंगे तो कोई भी प्रोफाइल फोटो आपका नहीं देखेगा। अबाउट भी ऐसा ही है, एवरीवन करेंगे तो सब लोग देख सकते हैं, माय कॉन्टेक्ट में करेंगे तो कॉन्टेक्ट जो लिस्ट होगा आपका जो सेव किए वो लोग देखेंगे, और नोबडी कर देंगे तो कोई भी आपका अबाउट नहीं देख सकता है। रीड रिसिप्ट भी कमाल का एक फीचर है फ्रेंड, अगर इसको ऑन है तभी आप लोग जो किसी का कोई मैसेज पढ़ते हैं ब्लू टिक होता है ऑन रहने के बाद, ऑफ कर देंगे तो क्या हो ब्लू टिक नहीं होंगे, किसी का मैसेज देख भी लेंगे और ब्लू टिक नहीं हो, तो बहुत लोग ऐसा सेटिंग करके रखते हैं मैसेज देख भी लेते हैं अगले को पता नहीं चलता ब्लू टिक नहीं होते हैं। डिफॉल्ट मैसेज टाइमर, इसका मतलब क्या है, किसी से अननोन पर्सन से आप चैटिंग कर रहे हैं, डर है कि आप मिसयूज कर सकता है, तो उसमें क्या करना है आप लोगों को 24 आवर लगा दीजिए, जो भी मैसेज करेंगे अगले को 24 आवर के बाद डिलीट हो जाएगा। 7 दिन लगाइए, 90 दिन लगाइए, या तो ऑफ रहेंगे, जब ऑफ रहता है तभी मैसेज पड़ा रहता है व्हाट्सएप में, नहीं तो अगर ऊपर कुछ भी लगाएंगे उतना देर बाद ऑटोमेटिक वो मैसेज डिलीट होता रहेगा फ्रेंड, 24 घंटा हो चाहे 7 दिन हो। नीचे ग्रुप में आएंगे, ग्रुप का यही है, अगर एवरीवन कर देंगे तो कोई भी आपको ग्रुप में ऐड कर सकता है, तो यही होता है अक्सर मोबाइल में। अगर आप ग्रुप से परेशान हैं तो माइक कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आप लोगों का कॉन्टेक्ट में जो नंबर होंगे वही लोग आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, बाकी लोग फालतू का लोग कोई भी ऐड करके मैसेज नहीं कर सकता है। तो ज्यादातर लोग माइक कॉन्टेक्ट ही रखते हैं क्योंकि जिसको जानते हैं उसी को आपने सेव करके रखा हुआ है, वही आपको ग्रुप में ऐड कर सकता है। लाइव लोकेशन अगर देना चाहते हैं आप कहाँ पे हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप में जाकर लाइव लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं अपने चैटिंग के द्वारा। अगला जाएंगे फ्रेंड कॉल में जाएंगे, देख सकते हैं साइलेंस अननोन कॉलर। अगर आपके इसको ऑन करने का क्या फायदे हैं, अगर ऑन कर लिया तो जो भी आप लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं रहेगा वो कॉल करेगा तो साइलेंट रहेगा फ्रेंड, जैसे कॉल आता है आप परेशान है, बहुत सारे लोग कॉल करते रहते हैं व्हाट्सएप पे, इसको ऑन कर लेंगे तो जो भी आप लोग दूसरा कोई कॉल करेगा तो साइलेंट रहेगा, बाकी लोग कॉल करेगा तो जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में हो तो उसको बेल बजेगा आपका। नीचे आएंगे ब्लॉक कॉन्टेक्ट में, अगर किसी को ब्लॉक किया है तो यहाँ शो करेगा, अगर अनब्लॉक करना चाहते हैं तो इसी को क्लिक करेंगे अनब्लॉक का ऑप्शन आएगा, अनब्लॉक भी कर सकते हैं, जितने लोग को ब्लॉक करते हैं यहीं पर रहता है फ्रेंड। ए ब्लॉक का क्या है, फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं अगर अपने व्हाट्सएप के में कि फिंगरप्रिंट से व्हाट्सएप खुले तो इसको क्लिक करना है, ओपन करना है, जैसे ओपन करेंगे फिंगरप्रिंट पूछेगा फ्रेंड, फिंगरप्रिंट लगा देंगे तो फायदे क्या है, आप लोगों का व्हाट्सएप जब भी ओपन करेंगे फिंगरप्रिंट से खुलेगा, तो इसे ए ब्लॉक भी लगा सकते हैं और फिंगर भी लगा सकते हैं, तो आप लोग जो चाहें दोनों भी लगा सकते हैं या तो एक कोई भी लगाइए, फिंगर वाला आसान होता है, जैसे 1 मिनट के बाद आप लोगों को बंद होना है कि 30 सेकंड बाद बंद होना है उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे होता है प्राइवेसी खत्म। अवतार में आएंगे, अवतार में क्या फ्रेंड, अगर आप लोग अवतार बनाना चाहते हैं मेरा एक वीडियो है अवतार कैसे बनाए कैसे यूज करें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा देख सकते हैं। अगर किसी को फेवरेट में यूज एड करना चाहते हैं एड में जाएंगे फेवरेट एड में, यहाँ सारे कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएंगे आपके, यहाँ पे जाके आप लोग फेवरेट में किसी को
ऐड कर सकते हैं फेवरेट्स में जाके। उस अगला बताऊं कि जाएंगे चैट में जाएंगे तो यहाँ कुछ सेटिंग कर सकते हैं, जैसे थीम वगैरह चेंज करना चाहते हैं चैटिंग का, तो यहाँ देख सकते हैं सिस्टम डिफॉल्ट तो व्हाइट भी होता है, लाइट भी कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग डार्क रखते हैं तो डार्क जैसे क्लिक करेंगे डार्क हो जाएगा, वापस चाहे चैट को चेंज करना चाहे यहाँ पे क्लिक करके आप लोग सिस्टम डिफॉल्ट कर सकते हैं, चाहे लाइट में कर सकते हैं, आप लोग अपने पसंद के हिसाब से। वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं तो क्या होगा, चेंज में जाएंगे, चेंज में जाने के बाद अब आप लोगों का पूरा गैलरी ओपन हो जाएगा, कुछ कंपनी के द्वारा भी दिया रहता है वॉलपेपर, उसको भी यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे वॉलपेपर आ गया, इसको क्या करना है, कोई भी जो वॉलपेपर आपको पसंद आता है इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ सेट वॉलपेपर करेंगे तो सेट हो जाएगा। अलग अलग आदमी के लिए अलग जो चैटिंग करते हैं हर आदमी के लिए अलग अलग वॉलपेपर भी आप लोग चाहे तो लगा सकते हैं। इंटर ए सेंड, इंटर इज सेंड का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग कुछ लिखते हैं बार बार सेंड बटन दबाना पड़ता है, लेकिन इंटर इज सेंड क्लिक करेंगे तो जैसे इंटर बटन दबाएंगे वो सेंड हो जाएगा मैसेज, मतलब ज्यादा जो चैटिंग करते हैं उनके लिए सही है, इंटर इज सेंड कर सकते हैं। फोन साइज बताया मैंने आप लोगों को, स्मॉल लार्ज मीडियम जो भी आपको पसंद के हिसाब से, कुछ तो ऊपर लार्ज रखना चाहते हैं लिखने की आसानी होता है लार्ज भी रख सकते हैं। चैट बैकअप, चैट बैकअप जरूर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है व्हाट्सएप डिलीट हो जाता है, मोबाइल गुम हो जाता है, तो दूसरे किसी भी मोबाइल में इसका बैकअप लिया जा सकता है, जिस जीमेल के द्वारा आप लोग बैकअप लेकर रखेंगे किसी मोबाइल में भी चाहे तो उस बैकअप को ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी इसमें वीडियो फोटो होते हैं तो बैकअप जरूर रखिए, बैकअप रखेंगे तो जब चाहे आप लोग किसी मोबाइल में दूसरे मोबाइल में लैपटॉप में अपना व्हाट्सएप का बैकअप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफर हिस्ट्री एंड्रॉयड फोन, अगर तू अपना मोबाइल का जो भी डाटा वगैरह है ट्रांसफर करना चाहते हैं दूसरे में तो यहाँ से ट्रांसफर भी आप लोग कर सकते हैं, चैट हिस्ट्री भी देख सकते हैं यहाँ पे। अगला बताऊं नीचे आएंगे तो नोटिफिकेशन है फ्रेंड, नोटिफिकेशन का क्या है, अगर आप लोग नोटिफिकेशन में साउंड वगैरह चेंज करना चाहते हैं, किसी जैसे दोस्त का नोटिफिकेशन किसी फ्रेंड का अलग रख सकते हैं, ग्रुप का अलग रख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन टोन जो है अलग अलग टोन भी यहाँ बहुत सारे दिए हुए, टोन चेंज कर सकते हैं, वाइब्रेशन ऑफ भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग वाइब्रेशन रखते हैं तो वाइब्रेशन चाहे तो वाइब्रेशन रखिए, वाइब्रेशन चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे जाएंगे नीचे जाएंगे आप लोगों को देख सकते इसमें बहुत सारे सेटिंग, लाइट वगैरह लाइट रख सकते हैं, व्हाइट रखिए, रेड रखिए, जो भी लाइट रखना चाहते हैं अपने पसंद के हिसाब से ओके करेंगे उसी कलर का हो जाएगा फ्रेंड। नीचे आएंगे और भी देखिए ग्रुप का नोटिफिकेशन अलग रख सकते हैं, पर्सनल हर व्यक्ति का नोटिफिकेशन जो होता है ये ग्रुप में भी ऐसे ही होता है, साइलेंट कर सकते हैं ग्रुप का, ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आते हैं तो यहाँ जाकर ग्रुप में साइलेंट भी कर सकते हैं आप लोग, रिंगटोन वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाकर के। स्टोरेज एंड डाटा का मतलब क्या फ्रेंड, स्टोरेज एंड डाटा में जाएंगे तो मैनेज स्टोर में जाकर देख सकते हैं कहाँ डाटा आपका कौन सा यूज हो रहा है, किसके साथ आप ज्यादा चैटिंग करते हैं, किसके साथ ज्यादा बात करते हैं, चैटिंग किसके साथ कितना एमबी यूज किया, कितना जीबी यूज किया, यहाँ जाके स्टोरेज डाटा में आप लोग देख सकते हैं। नेटवर्क यूज में जाएंगे यहाँ भी देख सकते हैं कॉल में कितना गया, मीडिया में कितना गया, चाहे गैलरी गूगल स्टोरेज में कितना गया वगैरह, सारे यहाँ पे नेटवर्क यूज में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। एक और बहुत ही कमाल का इसके अंदर सेटिंग आता है फ्रेंड, आपको बताऊं मीडिया अपलोड क्वालिटी जो होता है, कई बार आप लोग बात करते हैं कि अपलोड क्वालिटी जो मेरे फोटो आता है सही नहीं आता है, हाई क्वालिटी कर देंगे तो यहाँ क्या फायदे होंगे, आप लोग का जो भी फोटो वीडियो HD क्वालिटी में जाएगा, नहीं तो क्या होता है अपने आप सेटिंग कर लेता है, कम भी कर देता है रिड्यूस करके क्वालिटी को, तो HD करेंगे तो हाई क्वालिटी में जाएगा, लेकिन डाटा ज्यादा लगते हैं इसीलिए लोग स्टैंडर्ड रखते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। अगर आप चाहते हैं अच्छा क्वालिटी डाटा तो HD क्वालिटी में आप रख सकते हैं। When using mobile data, मतलब आप लोग जब मोबाइल डाटा यूज करते हैं उस टाइम क्या क्या डाउनलोड होना चाहिए, देखिए फोटो ज्यादा तो लोग रखते हैं, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट वगैरह वाईफाई पर डाल देते हैं, अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो सब ऑन रखना पड़ेगा क्योंकि वाईफाई रहेगा तो ही डाउनलोड होगा दूसरे में। यहाँ मान लीजिए रख दिया मैंने डाटा के साथ फोटो, उसके बाद से यूजिंग वाईफाई, अगर मेरे पास वाईफाई है तो सारे इसको ऑन कर दूंगा क्योंकि वाईफाई में जैसे कनेक्ट होगा सारे वीडियो फोटो ऑडियो सब कुछ इसमें डाउनलोड हो जाएंगे, इसमें डाटा ज्यादा लगता है इसीलिए ये करके रखता है आदमी। तो ऐसे आप लोग इसके अंदर सेटिंग करते हैं तो डाटा स्टोरेज में जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग एप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं अपने जो भी चैटिंग का, हिंदी रखना चाहते हैं, इंग्लिश रखना चाहते हैं, दूसरा कोई भी बंगाली रखना चाहते हैं, यहाँ पे जाके लैंग्वेज में जाके आप लोग लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं फ्रेंड। नीचे हेल्प सेंटर मिलेगा आप लोग को, अगर व्हाट्सएप से कोई प्रॉब्लम आते हैं तो हेल्प सेंटर में जाके आप लोग कुछ प्रॉब्लम होता है ब्लॉक हो गया कोई बात हो गया तो यहाँ पे हेल्प सेंटर में जाके मैसेज करेंगे तो वो लोग हेल्प भी करते हैं आप लोगों को बहुत सारे। नीचे जाएंगे अगर ओपन इंस्टाग्राम ओपन फेसबुक, देखिए इनवाइट है फ्रेंड, अगर व्हाट्सएप में किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो सीधे यहां से इनवाइट भी कर सकते हैं आप लोग, उस नंबर को मान लीजिए सेव नहीं है
उस नंबर पर इनवाइट करेंगे तो वो आदमी आपका नंबर पाए जाएगा मैसेज, वो सेव भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। नीचे आएंगे ओपन इंस्टाग्राम मिलेगा आप लोगों को। व्हाट्सएप चला रहे हैं अगर चाहते हैं यहीं से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाना चाहते हैं तो यहीं से ओपन इंस्टाग्राम करेंगे फ्रेंड, तो सीधे आप इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे या तो फेसबुक पर भी जा सकते हैं, मतलब अलग से इसको बंद करके जाने की जरूरत नहीं है। जैसे इंस्टाग्राम ओपन करेंगे सीधे इंस्टाग्राम पर जाएंगे और नीचे फेसबुक दिया हुआ है, जैसे क्लिक करेंगे सीधे आपको फेसबुक पर भी लेके चला जाएगा, मतलब यहीं से आप लोग व्हाट्सएप से ही इंस्टाग्राम फेसबुक भी जाकर चला सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को कोशिश किया सब कुछ ए टू जेड सेटिंग बताने के लिए, मैंने सब कुछ बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को उसे जिनको पता चले इसका व्हाट्सएप का क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड बहुत मेहनत लगा वीडियो बनाने के लिए, अगर प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड।